हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोहिस्टिक्स। किस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इन्वर्टर सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे जस्ट दो मॉसफेट और कुछ रेजिस्टेंस की हेल्प से हम एक प्रॉपर इन्वर्टर सर्किट बना सकते हैं, जिससे हम 12 वोल्ट डीसी बैटरी को यूज करके 220 वोल्ट एसी ऑब्टेन कर सके। उम्मीद है गाइज वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम डिजाइन करेंगे एक ऑडियो एम्पलीफायर। बिल्कुल, इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं ट्रांजिस्टर लेवल पे एक ऑडियो एम्पलीफायर डिजाइन करके दिखाऊं, तो आज मैं वो करने जा रहा हूँ। आज ऑडियो एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए हम सिर्फ एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करके हम एक प्रॉपर ऑडियो एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे कि हम कैसी आती है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके लाइक्स और शेयर के साथ मेरे को और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, एम्पलीफायर बनाने के लिए जिस ट्रांजिस्टर का आज हम यूज करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है, जो है BC547। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है, आपको तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा और बहुत ही लो कॉस्ट ट्रांजिस्टर है। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तीन टर्मिनल्स होते हैं इसमें, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, जिसमें से हमारे पास ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग आपको समझने के लिए अलग से जो मेरी एक वीडियो अवेलेबल है ट्रांजिस्टर्स के बारे में, वो आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में इसकी वर्किंग मिल जाएगी कि ये कैसे काम करता है, और इसकी वर्किंग आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप इसे एम्पलीफायर बनाएं। फिर भी मैं इस वीडियो में लिटिल बिट रिकॉल कर देता हूँ, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। अगर हम इस ट्रांजिस्टर के साथ एक LED कनेक्ट करें, यहाँ पे मैं एमीटर के साथ एक LED लगा देता हूँ और कलेक्टर के साथ मैं एक बैटरी लगा देता हूँ। ये मेरे पास बैटरी लग गई और अब इस सर्किट को हम कंप्लीट कर देते हैं। सर्किट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल ये LED ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग में अगर हम देखें तो कलेक्टर और एमिटर के बीच में करंट फ्लो होने के लिए बेस के ऊपर एक सिग्नल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस बैटरी के साथ इस बेस को भी कनेक्ट कर दें तो यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगा और ये आपकी जो LED है ये ग्लो होने लग जाएगी। इसी प्रिंसिपल का यूज़ आज हम करेंगे एम्पलीफायर बनाने में। तो चलिए एम्पलीफायर का एक सर्किट बना लेते हैं नॉर्मल सा, जो आज हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं फिर से एक सिंबल बना लेता हूँ ट्रांजिस्टर का। ये मेरे पास ट्रांजिस्टर आ गया, इसके तीन टर्मिनल्स, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ये तीनों टर्मिनल्स यहाँ पे बन गए हैं मेरे पास। हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है एम्पलीफायर बनाने के लिए वो है ये ट्रांजिस्टर, वो तो हमने लगा दिया। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए एक स्पीकर जिससे हमें साउंड आउटपुट मिल सके। तो यहाँ पे मैं एक स्पीकर लगा देता हूँ, ये स्पीकर आ गया मेरे पास। इसके अलावा नेक्स्ट हमें चाहिए, इसको पावर को बूस्ट करना है, एम्पलीफाई करना है, तो पावर सोर्स भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, पॉजिटिव है ये, नेगेटिव है, बैटरी लगा दी। इसके अलावा हमें इनपुट देने के लिए एक इनपुट पोर्ट चाहिए जहाँ से हम अपनी ऑडियो इनपुट दे सके, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक ऑक्स पोर्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा ऑक्स पोर्ट है, पिन है जो मेरे मोबाइल फोन्स में कनेक्ट होती है। इसके बाद जो हमें चाहिए एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर RC फिल्टर बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक RC फिल्टर लगेगा फिल्टरिंग के लिए। यहाँ पे ये कैपेसिटर आ गया। को ये चीज़ याद रखनी है कि इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो बेस की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमें उसे बेस के साथ कनेक्ट करना है।
तो ये 100 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर होगा, आप इसको 100 माइक्रोफेरेट ले सकते हैं। इसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है कैपेसिटर का। तो चलिए कंपोनेंट्स तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं कि इनके कनेक्शंस कैसे होंगे। पहले तो ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड होंगे। कलेक्टर है जो हमारा, ये स्पीकर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और स्पीकर का जो दूसरा टर्मिनल है ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एमीटर के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। ये तकरीबन ऐसा ही सर्किट बन गया जैसा हमने एलईडी के साथ बनाया था। अब हमें चाहिए बेस के ऊपर एक्सटर्नल सिग्नल। इसमें तो हमने बैटरी से सिग्नल दे दिया था, बट यहाँ पे हम बैटरी से सिग्नल नहीं देंगे डायरेक्टली। यहाँ पे हम देंगे अपना इनपुट सिग्नल, जो कि हम ऑक्स पोर्ट से लेंगे। यहाँ पे से जो हमारे पास ऑडियो आ रहा होगा, ऑडियो इनपुट का ये सिग्नल है, इससे हम लेंगे। और ऑक्स पोर्ट का जो दूसरा टर्मिनल है ये बैटरी के ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ऑक्स पोर्ट से फिल्टर को गया कैपेसिटर को, देन कैपेसिटर के बाद ये बेस के ऊपर चला गया। कैपेसिटर है डीसी को ब्लॉक करेगा बट एसी को अलाउ कर देता है। तो हमारे पास जो ऑडियो सिग्नल है वो एसी फॉर्म में होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है, तो यहाँ से वो क्रॉस कर जाएगा और बेस के ऊपर पहुँच जाएगा। और रेजिस्टर्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ये सर्किट पूरा हो चुका है, इसमें हमने कंपोनेंट्स लगा लिए हैं। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर BC547। यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, स्पीकर है, 100 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है और एक 10K का रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास ऑडियो इनपुट आ गई। तो ये कंपोनेंट्स है हमारे जो एक एम्पलीफायर को बनाएंगे। और वर्क कैसे करेगा? जब बेस के ऊपर ऑक्स पोर्ट से एक सिग्नल आएगा जो हमारा ऑडियो सिग्नल होगा, तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में करंट फ्लो होने लग जाएगा। और वो करंट जो फ्लो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा बेस के ऊपर जो सिग्नल आ रहा है। बिकॉज अगर हम साइन वेव की बात करें, क्योंकि ऑडियो इनपुट एक तरीके से साइन वेव की फॉर्म में होती है, तो किसी टाइम पे तो वो पीक पे होगी और किसी टाइम पे कम होगा या जीरो होगा। तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ से करंट फ्लो करेगा। जिस टाइम पीक पे है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जिस टाइम जीरो है तो जीरो करंट फ्लो करेगा। इसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी यहाँ पे साउंड इनपुट होगी वो हमें स्पीकर के ऊपर एम्पलीफाई होके मिलेगी। तो चलिए इस सर्किट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ऐसा ही वर्क करता है या नहीं। तो चलिए गाइस अपने सर्किट को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। इंप्लीमेंटेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे एक है जनरल पर्पस पीसीबी है, 100 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, 100 माइक्रोफेरेट 40 वोल्ट। एक 10K का रेजिस्टर है मेरे पास। और इसके अलावा जो हमारा मेन कंपोनेंट है BC547 ट्रांजिस्टर, इसका नंबर आप रीड कर सकते हैं, यहाँ से आपके लिए रीडेबल है BC547। तो इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके अभी हम ट्रांजिस्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे जैसा हमने सर्किट में डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले तो हमें इस ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है। तो उसका जो प्रॉपर वे है, इस ट्रांजिस्टर का जो ये फ्लैट वाला पोर्शन है जिस साइड नंबरिंग लिखी हुई है, आप इसको नीचे की तरफ करके सरफेस के ऊपर रख दें। मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है। तो इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है अभी वो आपका एमीटर है, सेंटर में बेस है और थर्ड इसका कलेक्टर है। अगर आप इसको सामने से देखेंगे, अगर आप हाथ में पकड़ के फ्रंट से देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट इसका कलेक्टर होगा, सेंटर में बेस होगा और इस साइड पे एमीटर होगा। अगर इसका आप उल्टा रख दें तो फर्स्ट एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो इस तरीके से आप इसके टर्मिनल्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए इस ट्रांजिस्टर को सबसे पहले हम पीसीबी के ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कनेक्ट किस तरीके से करना है? पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट्स लगाना, सोल्डरिंग करना, इसके बारे में ऑलरेडी मेरी 2-3 वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैंने ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगा दिया है। इस सेट जो इसकी लेग्स हैं इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये फिक्स हो गया है, अभी इसको हम सोल्डर की हेल्प से फिक्स कर देंगे।
यहाँ से इसको सोल्डर कर देता हूँ। तो मैंने तीनों टर्मिनल्स को सोल्डर कर दिया है और ये फिक्स हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट हमने लगाना है वो है एक 10K का रेजिस्टर। इस 10K के रेजिस्टर को मैं फोल्ड करता हूँ और इसे यहाँ पर हम लगा देते हैं। यहाँ पे लगा दिया गया और इसको भी स्ट्रेच करके फोल्ड कर लेते हैं और इसको भी हम बेस इसका सोल्डर कर लेंगे। तो रेजिस्टर भी हमारा सोल्डर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो इसका नेगेटिव वाला पोर्शन है वो बेस के साथ कनेक्ट हो। तो मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हमारा कैपेसिटर भी फिक्स हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए ये एक कनेक्टर टर्मिनल है, टर्मिनल ब्लॉक है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था। उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हमें स्पीकर को डायरेक्ट सोल्डर ना करना पड़े, उसको हम नॉर्मली टाइट कर सकें। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको मैं सोल्डर कर लेता हूँ। ये भी हमारा कनेक्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक जो बच गया वो है एक तो हमें पावर सोर्स, ये बैटरी कनेक्ट करनी है, और एक हमारे पास इनपुट के लिए ऑक्स पोर्ट हमें बनाना है। तो बैटरी कनेक्ट करने के लिए तो मैं ऐसे पीसीबी हेडर्स का इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं इसमें से दो पीस निकाल लेता हूँ अलग करके। ये एक 2-पिन हेडर है मेरे पास अभी, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। और क्योंकि मेरी बैटरी का जो कनेक्टर है वो इजीली इसके ऊपर कनेक्ट हो सकता है तो मैं इस हेडर को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस हेडर को सोल्डर कर लेते हैं। ये हेडर यहाँ पे सोल्डर हो गया है। जब हमें पावर कनेक्ट करनी होगी तो हम इजीली इस तरीके से यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं और उसको कभी भी निकाल सकते हैं। तो मैं हमेशा जैसा जितना भी काम करता हूँ सारा प्लग एंड प्ले ही रखता हूँ ताकि कभी भी कुछ चेंज करना हो तो इजीली हो सके। कुछ भी जो लूज़ कंपोनेंट्स हैं लाइक बैटरी या फिर स्पीकर, इन चीज़ों को मैं कभी भी डायरेक्ट सोल्डर नहीं करता हूँ। तो जहाँ पर हो सके पोर्टेबिलिटी बनती हो मैं हमेशा चीज़ों को पोर्टेबल रखता हूँ। तो लास्ट हमारे पास बचा है एक ऑक्स पोर्ट जो हमें बनाना है अभी। तो चलिए पहले हम ऑक्स पोर्ट बना लेते हैं इसके लिए, उसके बाद इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ऑक्स पोर्ट बनाने के लिए मैं इस तरीके के एक 3.5 mm कनेक्टर का इस्तेमाल करूँगा। इसमें दो पिन्स होती हैं जिससे आप दो वायर्स नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको बाद में हम इस सर्किट में अपने कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए जो वायर्स मैं यूज़ करूँगा, ये मेरे पास एक नॉर्मल वायर है, तो इसको मैं इन पॉइंट्स के साथ सोल्डर कर देता हूँ। होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे मैं इस पिन को होल्ड कर सकूं जब मैं सोल्डरिंग करूं। तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो ये दोनों वायर्स मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिए। इसको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, इसके जो ये लॉक हैं इसको आप प्रेस कर सकते हैं ताकि वायर को ये ग्रिप कर ले। ये बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली हाथ से ही लॉक हो जाता है ये। अब हमारे पास दो वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। इस हेल्पिंग हैंड को मैं साइड पे रख देता हूँ। अब इसका जो ये कवर है आप इस साइड से इसको इंसर्ट कर लीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। तो ये हमारे पास एक ऑक्स केबल बन गई है जिसका दूसरा टर्मिनल ओपन है जो हमारे सर्किट में कनेक्ट हो सकता है। अब इस सर्किट में इस टर्मिनल को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं जो कि मैं कभी प्रेफर नहीं करता, तो
दो वायर्स कनेक्ट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे भी मैं इस टर्मिनल ब्लॉक का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक और टर्मिनल ब्लॉक यहाँ पे लगा देता हूँ। सो जितने भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए थे वो सारे यहाँ पे हमारे पास लग चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारा काम है इसके कनेक्शंस बनाना। ये यहाँ पे सारे हमें कनेक्शंस बनाने हैं जिससे ये सर्किट हमारा वर्किंग कंडीशन में आ सके। तो उससे पहले एज यूजुअल मैं यहाँ पे कनेक्शंस ड्रॉ करूँगा कि कौन कौन सा कनेक्शन कहाँ पे कनेक्ट होना है। उसके लिए पहले ये जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। कटिंग करने के लिए मैं इस वायर कटर का इस्तेमाल करूँगा। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा वायर्स थी इनको मैंने काट लिया है और जो हमारे कनेक्शंस थे वो सारे इजीली अब यहाँ से बन सकते हैं। तो कनेक्शंस पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इस मार्कर की हेल्प से कि कहाँ कहाँ पे कौन सा कनेक्शन कनेक्ट होना है। तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ये मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर वाला ताकि मैं ईजी हो जाए, और ये नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल है। स्पीकर की कोई पोलैरिटी नहीं होती, हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्स की कोई पोलैरिटी नहीं होती, वो हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को स्पीकर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस साइड से मैं इस पॉइंट से एक कनेक्शन ड्रॉ करूँगा यहाँ तक। ये हमारा कनेक्शन यहाँ पर बन गया है। अब हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का एमिटर बैटरी के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ट्रांजिस्टर का ये जो एमिटर टर्मिनल है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ बैटरी के साथ। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल स्पीकर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो कलेक्टर को यहाँ से मैं ड्रॉ करके स्पीकर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है हमारा। अब हमारे पास जो ये कैपेसिटर और रेजिस्टर है, ये पहले तो आपस में कनेक्टेड हैं बीच में, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो गए। और ट्रांजिस्टर का बेस इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, तो हमारे ट्रांजिस्टर का जो बेस है सेंटर में, ये यहाँ से कनेक्ट होगा इन दोनों के बीच में। ये कनेक्शन बन गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑक्स केबल है, जहाँ पे जो कनेक्ट होनी है उसका एक टर्मिनल ग्राउंड है और एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होना है। तो एक हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लास्ट हमारे पास बचा रेजिस्टेंस का कनेक्शन, जो कि हमारे कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो हमारे जो कनेक्शंस थे वो सारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब इनको सोल्डर करके ट्रैक्स बनाने हैं। ट्रैक्स के ऊपर भी अलग से एक वीडियो अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ट्रैक्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रीज़न कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। तब तक मैं इसके ट्रैक्स बना लेता हूँ। गाइस कंप्लीट होने के बाद ये सर्किट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस तरफ ये सारे ट्रैक्स मैंने बना लिए हैं। होप्स वो आपने ट्रैक्स वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें ये ट्रैक्स बनाना मैंने सिखाया हुआ है। अगर नहीं देखी तो चैनल के ऊपर ज़रूर देखिएगा, हाउ टू मेक परफेक्ट शोल्डर ट्रैक्स, इस नाम से वो वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए गाइस अब इसको हमारे स्पीकर और रॉक्स केबल से कनेक्ट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आती है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास ये एक स्पीकर है जिसको हम यूज़ करेंगे। ये बैटरी है 5 वोल्ट की। ये हमारा सर्किट जो हमने बनाया, ये ऑक्स केबल जो अभी हमने बनाई थी, एक मोबाइल फ़ोन जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे, और स्क्रू ड्राइवर इन वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस ऑक्स केबल को मैं इस पोर्ट में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट ये जो हमारे पास स्पीकर की वायर्स हैं, ये यहाँ पे स्पीकर के ऊपर सोल्डर हो रखी हैं, देख सकते हैं। इन स्पीकर की वायर्स को मैं इस पोर्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। तो
ओके गाइस, ये स्पीकर भी हमारा कनेक्ट हो गया है। अभी हमें इस पोर्ट को इस मोबाइल फोन में कनेक्ट करना है। गाइस यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है और यूट्यूब के ऊपर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो यहाँ पे प्ले पॉज करके रखी हुई है। अभी हम इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं हमारे सर्किट के साथ। ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इसको यहाँ से हम प्ले करते हैं, ये स्पीकर से साउंड आ रहा है कि नहीं। बस आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी आउटपुट यहाँ पे आपको मिल रही है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं स्पीकर के ऊपर कुछ पार्टिकल्स रख देता हूँ जिनकी वाइब्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि यही स्पीकर वर्क कर रहा है, किसी और स्पीकर से आउटपुट नहीं आ रही। 37 वोल्ट तक डीसी आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा भी गाइस चैनल के ऊपर पावर सप्लाई की कई वीडियोस अवेलेबल है। गाइस आप देख सकते हैं हमने जो एम्पलीफायर डिज़ाइन किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। गाइस ये जो एम्पलीफायर है बहुत ज़्यादा हाई पावर एम्पलीफायर नहीं है, बिकॉज सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर इस पे यूज़ किया है, वो भी बहुत छोटा ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है। इसके अलावा जो एक्चुअल एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स, हाई वैल्यू के हाई करंट के ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो एक नेक्स्ट लेवल तक इस साउंड को एम्पलीफाई कर सकें। और अगर आप इससे थोड़ा बेटर एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो आप इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे बेटर क्वालिटी एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ। इस सर्किट पे मैंने इस BC547 को रिप्लेस कर दिया है 2N3055 ट्रांजिस्टर के साथ। ये भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। बाकी सारा सर्किट मेरा सेम है। 5 वोल्ट बैटरी की जगह अब यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का अडाप्टर यूज़ करूँगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इससे देखते हैं कि हमारी जो आउटपुट क्वालिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्पीकर को कनेक्ट करते हैं पहले। तो स्पीकर हमारा कनेक्ट हो गया है और हमें जो ऑक्स केबल कनेक्ट करनी है, ये फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। इसके आगे मैंने ये 2 पिन कनेक्टर लगा दिया है जो कि यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो सकता है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये कनेक्ट हो गया। अभी हमें पावर देनी है तो पावर के लिए मैं 12 वोल्ट का अडाप्टर यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो चलिए अब प्ले करके देखते हैं कि आउटपुट हमारी क्या आती है। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है मेरा, ये मेन सेक्शन है ऑसिलेटर्स का, ऑसिलेटर सेक्शन है। इसमें मेरे पास 2 MOSFET लगे हैं, IRF Z44N, ये एन चैनल MOSFET है। इसको जोड़ 2 MOSFETs को जोड़ के आपस में बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स रख देता हूँ फिर से। और इसके साथ 330 ओम के रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 12012 का ट्रांसफार्मर है जो कि हमें 220 वोल्ट एसी आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें इन मॉसफेट्स में गेट, ड्रेन और सोर्स 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एम्पलीफायर इस ट्रांजिस्टर से बन चुका है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं हर मंडे ऐसी ही नई नई वीडियोस लेके आता हूँ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट मंडे शाम को 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।